नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। इस बार एक 12 साल के मासूम बच्चे के साथ हैवानियत की हद पार हुई है। ये पूरा मामला दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके का है, जहां पर एक मदरसे में पढ़ने वाले 12 साल के मासूम बच्चे को उसी मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। मौलाना का नाम मोहम्मद असरान बताया गया, जिसने बच्चे को बेहोश कर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ कई बार उसका शोषण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही बच्चे पर यह दबाव बनाया कि इस बारे में वो अपने परिवार के लोगों को या किसी और को कुछ ना बताए। लेकिन बच्चे के साथ जब बार बार इस तरह की हरकत होती रही, तो उसके बाद बच्चे ने अपने परिवार को इस बारे में जानकारी दी और फिर परिवार ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामले के सामने आने के बाद आरोपी फरार था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और आरोपी को उसके घर से सहारनपुर से अरेस्ट किया है। DCP नॉर्थ दिल्ली सागर सिंह कलसी ने इस पूरे मामले में स्टेटमेंट दी है। ये हमारे जो उत्तरी जिला है, यहाँ सराय रोहिल्ला थाने में कल 14 दिसंबर को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है, एक 12 साल के बच्चे के साथ। एक हमारे यहाँ जमायतुल इस्लामिया तुल अरेबिया कासिमुल उलूम, ये एक मदरसा है, जहाँ पर उसके साथ बच्चे के साथ उसको बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म की पिछले 2-3 महीने से 4-5 बार की जो एक कंप्लेंट आई है, जिसमें कि बच्चे के जब पेरेंट्स को जब पता चला तो वो बच्चे को लेकर आए हमारे पास। हमने तुरंत IPC के सेक्शन 377 और 506 और 6 पॉक्सो में ये मामला दर्ज किया है। बच्चे को डराया भी था उसने कि किसी को नहीं बोलना है, इसलिए ये 506 सेक्शन हमने किया है। जो ये मौलवी था, ये भागा हुआ था, इसको हमने आज दिन में इसके नेटिव प्लेस जो कि सहारनपुर है, वहां से हमने अरेस्ट कर लिया है। ये बच्चा यहाँ पर कुछ 30-35 और बच्चे हैं, इनके साथ यहाँ हाफिज की जो तालीम होती है, जो उसमें 35-40 बच्चों के साथ था। इसको बड़े बच्चों के साथ जो बातचीत करने के लिए भी इस जो मौलवी जो हमारे अक्यूज्ड है, उसने डरा के रोका था कि नहीं बात करनी है। तो बच्चे के जब पेरेंट्स को पता चला, तभी जाके ये हमारे पास आए हैं और हमने ये अरेस्ट किया है। तो DCP सागर सिंह कलसी का बयान आपने सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पीड़ित है उसके परिवार के लोग पुलिस थाने आए और उन्होंने पूरा मामला सामने रखा, और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तलाश शुरू की, जिसके बाद सहारनपुर से आरोपी मौलाना मोहम्मद असरान को गिरफ्तार किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली सराय रोहिल्ला इलाके के एक मदरसे में 12 साल के बच्चे को नशा करवा के कई बार उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया। महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां, क्या छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? चल क्या रहा है ये? दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं, और जिस तरह से एक बार फिर से ये घटना सामने आई है, उसके बाद फिर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में कौन सुरक्षित है। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।